अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, जी बी न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसे हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई है थोड़ा टाइम पहले, एक कोरोना पेशेंट की, जो एमसीजीएम हॉस्पिटल शाहजी नगर से उनको साइन जो भेजा गया था, वो पहलीपाड़ा में रहवासी है। आइए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर पहलीपाड़ा में जो है बीएमसी एमवी स्पॉट की तरफ से लोग आए हुए हैं, बीएमसी के कार्यकर्ता आए हुए हैं, यहाँ पर उनके जितने स्टाफ है वो मौजूद है यहाँ पर, और ये गली सील करने का काम कर रहे हैं यहाँ पर। हम आइए हमको आपको लेके चलते हैं वहाँ पर। दोस्तों देख सकते हो आप, ये पहलीपाड़ा में ये गली है और हम यहाँ जा रहे हैं अंदर, और यहाँ पर ऊपर यहाँ पर उनका घर है, वो पेशेंट जो सस्पेक्टेड थे और उनको क्वारंटाइन के लिए भेजा गया है, टेस्टिंग के लिए भेजा गया है, उनकी पूरी फैमिली को भेजा गया है यहाँ से। तो आइए दोस्तों आपको लेके चलेंगे यहाँ पर। देख सकते हो आप, वहाँ आगे जो है गली सील करने का काम हो रहा है, और यहाँ पे पुलिस प्रशासन, बीएमसी के लोग सभी मौजूद है, सभी लोग अपने अपने तरफ से जितना हो सकता है उतना सहायता कर रहे हैं। देख सकते हो दोस्तों, ये वो जगह है, यहाँ से वो जो पेशेंट हैं उनकी फैमिली को यहाँ से लेकर जा चुके हैं यहाँ से। सर कितने सर हम यहाँ पे रहते हो? हाँ, पर यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पे। जी आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर में उनका घर है, यहाँ पर वो रहते थे, यहाँ से जो है 14 लोगों को जो है लेकर जा चुके हैं। भाई आपसे जानना चाहेंगे कितने लोग उनके फैमिली में थे और कितने लोग फैमिली में, तो मतलब मेंबर तो बहुत ज़्यादा थे, बट अभी फिलहाल मैं तो सब सोया था, तो दोपहर को उनकी फैमिली को, पूरे फैमिली को लेके गए, बच्चे से लेके बड़े तक सबको, बच्चे से लेके बड़े तक सबको यहाँ से लेकर गए। तो सर जानना चाहेंगे कि मतलब फिर भी कुल मिला के कितने लगभग आसपास कितने लोग होंगे? 10 जन रहेंगे फैमिली में, और जो हस्बैंड वाइफ 14, 10 से 15 तक रहेंगे फैमिली में। अच्छा 10 से 15। हमको एक डॉक्टर साहब ने एक बताई थी कि उन्होंने 14 पेशेंट्स को यहाँ से, मतलब यहाँ पे 14 लोगों को लेके गए ताकि उनका क्वारंटाइन करने के लिए। तो जैसे आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ के रहवासी भी बहुत परेशान है, घबराए हुए हैं। इनका मानना ये है कि अचानक से ऐसा यहाँ पर अब तक तो नहीं था चीता कैंप में, पहलीपाड़ा में, लेकिन अचानक यहाँ पर आने की वजह से ये सभी लोग घबराए हुए, आजू बाजू के लोग। तो आप सभी लोगों से गुजारिश है दोस्तों कि ऐसा आपके यहाँ, आपके गली में ना हो, तो आप घर में रहिए, सेफ रहिए, हाथ धोते रहिए दोस्तों, सोशल डिस्टेंस का मेंटेन कीजिए। ये हमारी और जीबी न्यूज़ की, पुलिस प्रशासन की और बीएमसी की, हर तरफ से आपको ये अनुरोध किया जा रहा है बार बार, लेकिन आप जो है वो सुनने का काम नहीं कर रहे हो। आपके ना सुनने की वजह से ये जो है तादाद जो है दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। तो दोस्तों आप सभी से गुजारिश रहेगी दोस्तों कि घर में रहिए मेहरबानी करके, और इस चीज़ को रोकिए, जितना हो सकता है उतना रोकिए, ताकि ऐसा हाल आपके गली, आपके एरिया, आपके घर में ना हो। इस चीज़ से अगर आपको बचना है दोस्तों, तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। जी बी न्यूज़ की तरफ से सलमान शेख, कैमरामैन यूनुस के साथ में, सच्चाई की आवाज़। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल जी ई बी न्यूज़, लाइक कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।